तो दोस्तों, देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, जहां पर देश की कंपनी BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने देश का पहला 205 टन की कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक बना करके तैयार कर लिया है। और इस ट्रक को बनाने में रेल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो रेल मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से इस हैवी ट्रक को बना करके तैयार किया गया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम तुलना करें चीन जैसे देशों से, तो वहां अभी तक एक हैवी ट्रक इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कैपेसिटी 220 टन है, और भारत ने पहली ही बार में 205 टन की कैपेसिटी को बना लिया है। और जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन को बनाया जाएगा तो करीबन वो 250 से 300 टन तक होने वाली है। तो दोस्तों, भारत की इस बड़ी अचीवमेंट के लिए आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं इसकी सारी डिटेल्स। तो जैसे कि आप BEML का ऑफिशियली ट्वीट देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है कि BS205E इलेक्ट्रिक डंपर इंडिया लार्जेस्ट आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इस माइनिंग ट्रक को बना करके तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए BEML अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोल रही है। साथ ही में इस इलेक्ट्रिक ट्रक को हमारी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड को सौंप दिया गया है। साथ ही में इस इलेक्ट्रिक ट्रक को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने मैसूर वाले प्लांट के अंदर बना करके तैयार किया है। वही बात करें हम नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में, तो 14% से भी ज्यादा उपकरण ये BEML के ही इस्तेमाल करते हैं। और वहीं अगर कंपेयर करें देश के अदर कोल माइंस को लेकर के, तो ज्यादातर इंपोर्टेड ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारी देसी कंपनियों के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि वो ऐसे ट्रक्स को बना सकती हैं, लेकिन उन कंपनीज को फिर भी ऑर्डर नहीं मिलते हैं, जो कि ये भारत के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसके अंदर 2300 HP के दो इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रेलवे में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर रेल इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर पूरी फुली AC ड्राइविंग मोड दिया गया है, जिससे ड्राइवर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी के साथ में फुल लोड होने के बाद इस ट्रक का टोटल वजन 335 टन हो जाता है। इसके साथ में यहाँ पर पावर स्टीयरिंग जैसी और भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। और बात करें हम इसकी स्पीड को लेकर के, तो यहाँ पर 65 यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ही इसकी मैक्सिमम स्पीड है। बाकी इसके अंदर बैटरी की क्या कैपेसिटी है और ये फुली इलेक्ट्रिक है या फिर इसको हाइब्रिड बनाया गया है, ये सारी चीजें अभी तो डिस्कस नहीं की गई है। जितने भी आर्टिकल्स यहाँ तक के ट्वीट में भी ये जानकारी नहीं दी गई है। हमने कई लोगों से कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ पर अभी 8 ऐसे और ट्रक्स को बनाया जाना है, जिसके बाद इसकी और ज्यादा डिटेल सामने निकल के आएगी, जिसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड और प्रॉपर वीडियो मिलेगा आपको विद एनिमेशन। तो दोस्तों, भारत की इस बड़ी अचीवमेंट के लिए आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और आपका इस इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। यदि आपको कॉन्टेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। मिलते हैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।